पहली बार सज सवर की दुल्हन बन के जा रही हूँ। उस महल में मुझे जाने से पहले मेरी सौतन रहती है, नहीं मुझे इस समय कोई प्यास नहीं लगी है। मैंने एक बहाना बनाई हूँ पानी का, जब मेरे स्वामी जी पानी लेके मेरे पास आएंगे, मेरे करीब आएंगे और मुझे पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो मैं पानी इस तरह से नहीं पीऊंगी। पहले मैं अपने स्वामी से सब करवा लूंगी और जब मेरे कहने पर मेरे स्वामी जी मेरे साथ सब कर लेंगे तो मैं साफ बोलूंगी, स्वामी जी आप किसी क्षण इसी समय यहाँ से महल जाइए और आपके महल में मेरी जो बड़ी सौतन रहती है आप उसे सदा के लिए बर्खास्त कीजिए। तब तो मैं इस सीमान पर से आपके महल जाऊंगी अन्यथा नहीं जाऊंगी। एक सेकंड, आप ही लोग बताइए अगर मुझे भूख है एक रोटी की, अगर एक रोटी की जगह मुझे आधी सी रोटी मिले क्या मेरा पेट भर सकता है? लीवर कमजोर हो जाएगा। भरेगा? बिल्कुल ना, नहीं भरेगा ना, लीवर खत्म। ठीक उसी प्रकार में अपने स्वामी का पूरा प्यार पाना चाहती हूँ और मेरे प्यार को आधार करने के लिए मेरी सौतन बैठी है। अब तो मैं चक्कर चल चुकी हूँ और धीरे धीरे देखती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय मेरे स्वामी जी मेरे करीब आ चुके हैं। मैं पानी लेकर आ गया हूँ, महारानी को पानी पिलाऊंगा और फिर डोली में बैठा कर यहाँ से प्रस्थान करूंगा उत्तमपुर के लिए। महारानी, हाँ स्वामी जी। लो महारानी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी बोलो बोलो। मैं इस प्रकार से पानी आपके हाथों से नहीं पीऊंगी। तो कैसे पीऊंगी स्वामी जी? हाँ, पहले आपको मेरे साथ सत करना होगा। सत? हाँ स्वामी जी। महारानी तुम मेरी पत्नी हो। हाँ। और मैं तुम्हारा पति। बिल्कुल। ये पति पत्नी के बीच में सत का क्या जरूरी है? स्वामी जी, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने एक प्रतिज्ञा रखी थी। प्रतिज्ञा? हाँ। कैसी प्रतिज्ञा? ऐसी प्रतिज्ञा है स्वामी जी कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाएंगे उनके हाथों से मैं कोई चीज अगर खाऊंगी या पीऊंगी तो पहले मैं उनके साथ सब करवा लूंगी। अच्छा, इसीलिए आपको मेरे साथ पहले सब करना होगा, उसके बाद मैं पानी तुरंत पी लूंगी। तो ठीक है महारानी। हेलो, आहे जियो जियो कहबा हे रानी, एक सब दो सब ब्रह्मा विष्णु सर सबसे बेसत होगा नर्क में मेरा वास हो, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन जाई। महारानी अपने प्यास को बुझा लो महारानी, महारानी महारानी क्या हो गया? स्वामी जी पहले आप साफ साफ सुन लीजिए, आप पहले मुझे इतना इस समय कोई प्यास लगी है, मैंने तो एक बहाना बनाई हूँ। आप इस समय इस सीमान पर से अपना महल जाइए और आपके महल में मेरी जो बड़ी सौतन रहती है उस हरमजादी को उस बाजीर को सदा के लिए बर्बाद कर दीजिए।